दोस्तों नमस्कार, पांडे क्विज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकली हुई है केंद्रीय विद्यालय संगठन जो कि ईयरली एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं टीचर वैकेंसी के लिए। तो अभी जो वैकेंसी निकली हुई है वो अराउंड 8300 के अराउंड है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। BA, BCom, BSc, MSc में सारे ट्रेड सारे एजुकेशन पैटर्न के आधार पे एग्जामिनेशन निकाला गया है। तो आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं और ऐसे ही पहले गवर्नमेंट जॉब के इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल पांडे गुरु जी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप एग्जामिनेशन को फॉर्म को अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले आप हमको बताते हैं कि आपको वैकेंसी को चेक कैसे करना है। तो यह आप देख रहे हैं कि ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय संगठन ए वहाँ उसका वेबसाइट है kvsangathan.nic.in। इस पर लॉगिन करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट का एक टैब है। अनाउंसमेंट के नीचे लिखा हुआ है क्या, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर KVS रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGTS, TGTS, लाइब्रेरियन, PRT इन KVS 24/8/2018। तो ये कल ही वैकेंसी निकला हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लिक करें, क्लिक करते ही न्यू टैब में ओपन होगा। आप यहाँ न्यू टैब में जाएंगे तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक हुआ है। तो आपको सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़िए। तो सबसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी के लिए आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको हर एक ग्रुप का अलग अलग वैकेंसी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए है, प्रिंसिपल के लिए टोटल जो वैकेंसी है वो 76 है, जिसमें जनरल 41, 19 OBC, SC 11, ST 5। उसके पास है वाइस प्रिंसिपल जो टोटल 220 सीट है। उसके बाद PGT जिसको हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है टीचिंग जॉब में, एक बोल सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर ही है। केंद्रीय विद्यालय एक गवर्नमेंट सेक्टर के एजुकेशन का स्कूल है जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। तो इसमें आप जॉब ले लेंगे तो आपको सरकारी नौकरी के बराबर ही होगा। तो इसमें वरी नहीं होने की ज़रूरत है। आप बेहिचक आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करें और अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने न दें। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी है। आप जिसमें BEd आज, जिसमें आप MSc हैं या MCom है, तो आपके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पे कितना सीट है। उसके बाद है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TGT ही बोलते हैं, जो ग्रुप बी के अंदर आता है। उसमें टोटल यहाँ पे देखते हैं कि 1900 वैकेंसी है। उसके बाद नॉन टीचिंग में आते हैं लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरियन का 50 वैकेंसी है, और प्राइमरी टीचर का जो ग्रुप बी के अंदर आता है वो 5300 वैकेंसी है, और प्राइमरी टीचर म्यूजिक का है जो 201 वैकेंसी है। तो ये सारे वैकेंसी को आप ऐड करेंगे तो मैं पहले से ऐड कर लिया हूँ, तो टोटल वैकेंसी है वो 8300 समथिंग है, जो 8400 के बराबर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टैब में उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको सबसे पहले जो प्रिंसिपल का है वो पे स्केल देख रहे हैं, वो 78,000 से 2,00,000 तक है, जो कि बहुत ही प्रिंसिपल का जॉब वैसे रॉयल जॉब होता है। तो काफ़ी एजुकेटेड बंदे इसमें क्वालिफाई के लिए मांगे जाते हैं। तो इसमें इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है वो एकेडमिक में मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वी एटलीस्ट 45 मार्क्स इन एग्रीगेटेड BEd और इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री। एग्रीगेटेड मींस यहाँ पे आपको कंप्लीट मार्क्स, जो फाइनल मार्क्स आते हैं, सपोज मास्टर डिग्री 2 साल का है तो दोनों साल का कंप्लीट ऑन एवरेज दोनों साल का कितना परसेंट है वो 45% होना चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रिंसिपल में एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया हुआ है, वो उसको आप पढ़ें। उसके बाद है फॉर वाइस प्रिंसिपल, जो वाइस प्रिंसिपल का जो है वो पे स्केल है 56,000 और से 1,77,000 तक के बीच, और जो मिनिमम ईयर्स का जो एज है वो 35 और जो मैक्सिमम है वो 45 होना चाहिए। जो डेट कैलकुलेट होगा वो 30/9/2018 से
कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर डिग्री होना चाहिए और बीएड होना चाहिए और 2 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, वाइस प्रिंसिपल इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑफ ऑर्गेनाइज सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में होना चाहिए। उसके बाद है जो हम लोग पीजीटी का है, जो पीजीटी का जो टीचर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का है, तो हर एक सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, इसीलिए आपको हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है जिसका नीचे देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका पे स्केल क्या है। जो पे लेवल है वो 47,000 से लेके 1.5 लाख तक का है। उसका अपर एज इसमें 40 एज तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, बट यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स फॉर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी। आपको क्या है, एमएससी का रीजनल कोर्स कंप्लीट करना होगा, या आप मास्टर डिग्री भी पास हैं तो आप 50% से ज़्यादा है तब भी आप एलिजिबल हैं। और आप जिस टीचर सब्जेक्ट के लिए टीचर बन रहे हैं उसमें क्या आपको आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक अलग से दिया हुआ जो कंप्यूटर साइंस का है, तो कंप्यूटर साइंस में अलग अलग होते हैं जैसे बीई, बीटेक, डोएक, बीसीए, एमसीए। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपको बीटेक होना चाहिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए होना चाहिए। तो बीसीए लेवल वाले बंदे भी इसमें टीचर के लिए एलिजिबल हैं, और प्रोफेंसी इन टीचर इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो टीजीटी बोलते हैं, वो यहाँ पे हर एक एक पोस्ट का इस पर जो पे स्केल है वो 44,000 से लेके 41,42,000 तक है, और इसका जो अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डाउनलोड करके आप शुरू से अंत तक देखें, उसके बाद ही आप यहाँ पर जाके हाउ टू अप्लाई में एक बार चेक करें, या जनरल इंस्ट्रक्शन भी एक बार पढ़ लें, इंस्ट्रक्शन क्या है, एग्जामिनेशन क्या होगा, कैसे होगा। आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। उसके बाद एक बार हाउ टू अप्लाई पे भी क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको फॉर्म को कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है कि आपको यहाँ इस साइट पर जाना है, और इस साइट पर आएंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप फोटो अपलोड करके यहाँ पे एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे कैंडिडेट का जो एग्जामिनेशन फ़ी है, जिसको एग्जामिनेशन फ़ी और प्रिंसिपल के लिए हर एक ग्रुप के लिए अलग अलग है, जो 1500 से लेके 1000 तक है, तो इसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। और जो रजिस्ट्रेशन का जो मेन इम्पॉर्टेंट है, जो ओपन हो गया है 24/8 को, ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है, और लास्ट डेट का है 13/9/2018 को। तो आप इस डेट से पहले अप्लाई करें। तो दोस्तों ये वीडियो अभी अच्छे लगे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल बटन को प्रेस जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।